हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो आई अभय कुमार गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विच इज क्वेश्चंस एंड लैपलेसेस इक्वेशंस फॉर बीएससी पार्ट टू फिजिक्स ऑनर्स कोर्सेस इन लेक्चर नंबर टू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिराइव क्वेश्चंस इक्वेशन फॉर ए स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ electric charges, that is where electric charges are present. Gauss's law in electrostatics in operator form is expressed as divergence E vector capital E vector equals to del operator dot E vector, capital E vector. The symbol of divergence is dot, that is dot product of del operator and electric field intensity. Divergence E vector is the dot product of del operator and electric field intensity, that is del operator dot E vector equals to rho upon epsilon naught, where rho is volume density of charge, where rho equals to volume density of charge, and epsilon naught is epsilon zero or epsilon naught is permittivity of free space or vacuum. We know very well. Now, electric field intensity E vector can be expressed as the negative gradient of electric potential. Electric field intensity को हम express कर सकते हैं electric potential का negative potential gradient के रूप में, ऋणात्मक विभव प्रवणता के रूप में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, तो ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ग्रेड भी इक्वल्स टू माइनस डेल ऑपरेटर भी इन द ऑपरेटर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एंड in operator form it can be expressed as E vector is equal to minus grad V equals to minus del operator V. The symbol of grad is del operator. Del operator is expressed as I cap del upon del X plus J cap del upon del Y plus K cap del upon del Z. This is equation number 2, where V is the scalar potential function. Now, using equation 2 in equation 1, that is in place of E vector in equation 1, we can write minus del operator V, that is minus grad V from equation 2. Equation 1 mein, equation 2 का हेल्प से, दैट इज कैपिटल ई वेक्टर के जगह पर इक्वेशन वन में कैपिटल ई वेक्टर के जगह माइनस डेल ऑपरेटर भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है इक्वेशन टू से इक्वेशन वन में। सो राइट डाउन यूजिंग इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन वी गेट divergence E, that is del operator dot E vector, capital E vector. E vector, capital E vector is the electric field intensity, equals to del vector dot E vector, and in place of del, in place of capital E vector, we can write del operator dot, in place of E vector, we can write minus grad V or minus del operator V from equation 2. So E vector is
माइनस डेल ऑपरेटर भी एंड आरएचएस ऑफ इक्वेशन वन इज रो अपॉन इप्सिलॉन नॉट. और इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर डॉट अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर एंड डेल ऑपरेटर दैट इज डेल ऑपरेटर और डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर एंड माइनस साइन इज टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट. सो माइनस डेल स्क्वायर भी इक्वल्स टू रो अपॉन इप्सिलॉन नॉट. देयरफॉर डेल स्क्वायर भी इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन इप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस रिप्रेजेंट्स पॉइसन्स इक्वेशंस पॉइसन्स इक्वेशन फॉर ए स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज दैट इज वेयर इलेक्ट्रिक चार्जेज आर प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल फॉर्म. दिस इज पॉइसन्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म विच इज गिवन बाई सॉरी इक्वेशन नंबर थ्री डेल स्क्वायर भी इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन इप्सिलॉन जीरो. दिस इज पॉइसन्स इक्वेशन इन द ऑपरेटर फॉर्म पॉइसन्स इक्वेशन इन द ऑपरेटर फॉर्म डेल स्क्वायर. ऑपरेटर डेल स्क्वायर इज कॉल्ड लैप्लेसियन ऑपरेटर. डेल स्क्वायर इज कॉल्ड नोन एज लैप्लेसियन ऑपरेटर एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर पार्शियल डिफरेंशियल. तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर. सो पॉइसन्स इक्वेशन विच इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर थ्री इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइसन्स इक्वेशन कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस रो अपॉन इप्सिलॉन नॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर फोर विच रिप्रेजेंट्स पॉइसन्स इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. In Cartesian coordinate systems for a space distribution of charges where we have used del operator which is Laplacian operator equals to del square upon del x square that is partial differentiation with respect to x double differentiation प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर. नाउ इन द कार्टेशियन इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वी कैन राइट पॉइसन्स इक्वेशन एज वन बाई आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस वन बाई आर स्क्वायर साइन थीटा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा डेल भी अपॉन डेल थीटा प्लस वन बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल फाई स्क्वायर इजकल टू माइनस रो अपॉन इप्सिलॉन जीरो. सो इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स वी कैन राइट पॉइसन्स इक्वेशन एज इन द
स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्वेशंस इक्वेशन कैन बी रिटेन एज वन बाई, फर्स्ट टर्म इज वन बाई आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल आर, वन बाई आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस, नाउ सेकेंड टर्म इज वन बाई आर स्क्वायर साइन थीटा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल थीटा प्लस, सेकेंड टर्म इज वन बाई आर स्क्वायर साइन थीटा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा इंटू डेल वी, डेट इज पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ पोटेंशियल वी, पोटेंशियल वी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. सो सेकेंड टर्म इज वन बाई आर स्क्वायर साइन थीटा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल थीटा, एंड फाइनली द थर्ड टर्म इज वन बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर ब्रैकेट डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल फाई स्क्वायर, एंड आर एच एस इज माइनस रो अपॉन इप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव विच इज विच रिप्रेजेंट्स स्फेरिकल पोल, विच रिप्रेजेंट्स पॉइसन इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो पॉइसन इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस किया जा सकता है वन बाई आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल आर प्लस वन बाई आर स्क्वायर साइन थीटा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल थीटा प्लस वन बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट. कभी कभी बी एस सी पार्ट टू के एग्जामिनेशंस फिजिक्स पेपर्स में पूछा जाता है कि पॉइसन इक्वेशन को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में भी एक्सप्रेस करें कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा. तो पॉइसन इक्वेशन को का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसका फॉर्म जानना जरूरी है. नाउ वी हैव टू ऑब्टेन लैप्लेसेस इक्वेशन वेयर इलेक्ट्रिक चार्जेज आर नॉट प्रेजेंट, दैट इज इन फ्री स्पेस. लैप्लेसेस इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन सॉरी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स appears when there are no free, there are no electric charges, there are no free electric charges are present, that is in free space. So in free space rho, that is volume density of charge, is zero. So we have in free space rho equals to zero. So Poisson's equation for a space distribution of charge, that is electric charges are present, reduces to del square V equals to zero. In free space, volume charge density is equal to zero. So, Poisson's equation in electrostatic, in electrostatics, reduces to del square V is equal to zero in the operator form, and this is equation number six, and this is Laplace, this is Laplace's equation. Laplace's equation in the operator form, that is it represents
लैपलेसस इक्वेशन इन द ऑपरेटर फॉर्म इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द ऑपरेटर फॉर्म दैट इज डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो. इट इज लैपलेसस इक्वेशन इन द ऑपरेटर फॉर्म इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लैपलेसस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो. इक्वेशन नंबर 7. इन फ्री स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक चार्जेज दैट इज नो फ्री इलेक्ट्रिक चार्जेज आर प्रेजेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बिकम्स जीरो एंड देन पॉइसन्स इक्वेशन रिड्यूसेस टू लैपलेसस इक्वेशन. एंड इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लैपलेसस इक्वेशन को एक्सप्रेस किया गया डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो. जहाँ डेल स्क्वायर ऑपरेटर का वैल्यू जिसे लैपलेसियन ऑपरेटर भी कहा जाता है उसका वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर दैट इज पार्शियल प्लस डेल स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर एंड फाइनली लैपलेसस इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वन बाई आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल आर ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस सेकेंड टर्म इज 1/r² साइन थीटा अंडर ब्रैकेट साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अंडर ब्रैकेट डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल फाई स्क्वायर एंड RHS रो इज जीरो फॉर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज इज जीरो फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम सो RHS बिकम्स जीरो एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 8 विच रिप्रेजेंट्स लैपलेसस इक्वेशन इन अ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन 8 दैट इज इन अ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट्स लैपलेसस इक्वेशन दैट इज इन फ्री स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक चार्जेज आर नॉट प्रेजेंट दस वी हैव डिराइव्ड बोथ पॉइसन्स इक्वेशन एंड लैपलेसस इक्वेशन फॉर स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज एंड इन फ्री स्पेस रेस्पेक्टिवली. हम लोगों ने पॉइसन्स इक्वेशन तथा लैपलेसस इक्वेशन को डिराइव किया इस वीडियो में जहां पॉइसन्स इक्वेशन स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज के लिए है जहां इलेक्ट्रिक चार्जेज प्रेजेंट होता है जबकि लैपलेसस इक्वेशन फ्री स्पेस के लिए होता है जहां कोई फ्री चार्जेज प्रेजेंट नहीं होता है. तो उस सिचुएशन में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो का वैल्यू जीरो हो जाता है और पॉइसन्स इक्वेशन का न्यू फॉर्म लैपलेसस इक्वेशन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. नाउ दिस वीडियो इज कंक्लूडेड. अभी यह वीडियो समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.